सलमान खान पहली बार स्पाई बन के आ रहे हैं, एंड दैट टू पहली बार टीम हो रही है, टीमिंग अप हो रही है उनकी विद यशराज जो प्रीमियर प्रोडक्शन हाउस है, और पहली बार जब ये साथ में आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है उम्मीदें बहुत बढ़ जाती हैं। ये कहानी एक रॉ एजेंट की यानी सलमान खान, जिसे कई बार अलग अलग मिशन पर भेजा जाता है। इस बार भेजा जाता है आयरलैंड में, एक साइंटिस्ट है जो शायद इंडियन एजेंसीज को शक है उस पर कि वो कुछ बातें पाकिस्तानी इंटेलिजेंस के साथ शेयर कर रहा है। सलमान खान को कहा जाता है उन पर निगाह रखो, उन पर नज़र रखो। सलमान खान वहाँ पहुँचते हैं, साइंटिस्ट से मिलते हैं यानी कि रोशन सेठ के पास पहुँचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है कैटरीना कैफ जो उनके घर की देख रेख और सफाई करती है। कैटरीना से मिलते हैं, उनसे दोस्ती बढ़ाने की कोशिश करते हैं, बस दोस्ती बढ़ाने के चक्कर में सलमान और कैटरीना को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। यहाँ पर एक ट्विस्ट है जो मैं रिवील नहीं करना चाहूँगा, जो आपको फिल्म देखना चाहिए। और फिर किस तरह हालात, ये जो प्रेम कहानी में एक तूफान आता है और किस तरह से इनकी दोनों की जिंदगी में एक पूरा टर्न आ जाता है, वो इस फिल्म का शेष भाग है। ये एक देसी फिल्म है, देसी दर्शकों के लिए बनाई गई है, बहुत ही स्टाइलिशली पेश किया गया है और यही इस फिल्म की जीत है। फिल्म अपने पहले सीन से रफ्तार पकड़ती है, सलमान खान का इंट्रोडक्शन माइंड ब्लोइंग, और आफ्टर अ लॉन्ग 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 टाइम सलमान खान ने एक्शन किया, दबंग में किया था ऑफकोर्स, बट इस तरह का स्टाइलिश एक्शन और जिस तरह से वो लड़े हैं इस फिल्म में, ऐसा एक्शन हिंदी सिनेमा के पर्दे पर नहीं देखा गया है। और ना ही सिर्फ सलमान लड़ रहे हैं बल्कि कैटरीना भी लड़ रही है, और जिस काबिलियत से कैटरीना और सलमान दोनों ने अपने स्टंट्स किए हैं, वाओ, मतलब तालियां बजेंगी। म्यूजिक मैं नहीं कहूँगा ग्रेट है, प्लेजेंट है, माशाल्लाह इज़ द बेस्ट सॉन्ग। लापता बहुत अच्छा है, जो क्यूबा में फिल्माया गया। उनकी सिनेमाटोग्राफी आउटस्टैंडिंग, डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी ने उसे बहुत खूबसूरती से उन खूबसूरत लोकेशंस को सेल्यूलॉइड पे उतारा है। डायलॉग स्मार्ट, विटी, शार्प, बैकग्राउंड म्यूजिक परफेक्ट। खामी यह है कि फिल्म में जब लव स्टोरी शुरू होती है तो कहीं ना कहीं गति डिप करती है, यानी पेसिंग जो है, जो शुरुआत होती है धड़ाधड़ फास्ट, एक के बाद एक पत्ते खुलते हैं, उसके बाद सडनली स्लो हो जाती है। बट एट द सेम टाइम मैं कहूँगा कि सलमान और कैटरीना को रोमांस करते हुए देखें, इट्स अ वेरी क्यूट लव स्टोरी, रोमांस करते देख वो भी एक अलग मजा है, तो आप उस बात को नज़रअंदाज कर देते हैं। जब आप कहते हैं टाइगर तो सलमान खान सही बैठते हैं, जो चाल है, जो फिजिक है, जिस तरह से वो बातें करते हैं, जो पावर है उनके डायलॉग में और गुस्से में, और जो एक रुबाब है वो उस जो पर्सनालिटी एक टाइगर के साथ बिल्कुल मैच करती है। तो जब वो दहाड़ते हैं या एक मुक्का मारते हैं और पांच लोग गिरते हैं तो आपको लगता है यस, ये आदमी पांच लोगों को नहीं 10 लोगों को भी एक साथ मार सकता है, वो एक जस्टिफिकेशन आ जाता है। ही इज़ फैंटास्टिक, फैबुलस। कैटरीना कैफ और सलमान खान एक गैप के बाद साथ आए हैं, और जब जब ये पेयरिंग आई है अच्छी लगी है, बट इस फिल्म में सबसे बेहतर लगी है। जैसा कि मैंने कहा, कैटरीना ने न सिर्फ रोमांस किया है बल्कि एक्शन किया, और जो सेकंड हाफ में एक चेज और एक्शन सीन्स हैं, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि उस सीन में कैटरीना कैफ के जो फैंस हैं वो यूं मल्टीप्लाई होंगे, इट विल, वो दिल जीतती है विद दिस परफॉर्मेंस एंड द वे शी इज़ इन दोज एक्शन सीक्वेंसेस, वेरी टफ। सलमान खान करते हैं अच्छा लगता है, कैटरीना कैफ करती है सरप्राइजिंग लगता है, बट वेरी गुड। देन देयर इज रोशन सेठ, छोटा सा रोल है, अच्छा है। गिरीश कर्नाड, थम्स अप, फर्स्ट रेट। रणवीर शोरे, वेरी वेरी गुड। कबीर खान का डायरेक्शन बिल्कुल फोकस्ड है, अपने मिशन से, अपने मकसद से ये फिल्म बिल्कुल डगमगाती नहीं। कबीर खान ने, जैसा कि मैंने कहा, एक ही पटरी पे अपनी फिल्म को रखा है अंत तक। एक था टाइगर, है स्टाइल, सब्सटेंस। ये सिर्फ एक खूबसूरत जिस्म ही नहीं, इसमें आत्मा भी। सलमान खान के अनगिनत फैंस जो बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं इसका, उन्हें ये फिल्म बहुत खुश, बहुत खुश, बहुत खुश करेगी। दिस फिल्म हैज़ लॉन्ग लेग्स टू कंटिन्यू रनिंग इवन आफ्टर द क्रेज सबसाइड्स। इस फिल्म को 5 में से 4.5 स्टार्स देता हूँ। सलमान खान की बेस्ट फिल्म है अब तक, एंड इट्स अ श्योर शॉट
ब्लॉकबस्टर।